व्हाट्स अप गाइस, तो अभी इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग ने पिछले सेशन में देख लिया। अब इस सेशन में देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, मतलब जैसे कि हम लोग ने कोलिजन में देखा था कि मोमेंटम कंजर्व कैसे करना है, अब यहाँ पे देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखता हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब याद करो कि नॉर्मल मोमेंटम कंजर्व कब होता है, When the net force is zero on the system, we can conserve momentum. So if the net force, F net, is zero, so momentum of center of mass is constant, right? ये हम लोग ने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे आप guess कर सकते हो कि basically angular momentum क्या था, moment of momentum. तो momentum conserve होगा if the force is zero, तो मुझे पता angular momentum conserve कब होगा, yes? When the net torque is zero. So if the net torque is zero on the system, we can conserve what? We can conserve angular momentum of the system. So angular momentum final is equal to angular momentum initial. Ye ho jayega mera. Kab? When the net torque is zero. Ab iska ek chota sa mathematical proof hai jo yahan pe main likhta hu. अब यहाँ पे मुझे आपको पता ही है कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज पोजिशन वेक्टर आर बार क्रॉस मोमेंटम, आर बार क्रॉस पी बार। अब इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट विल आई गेट इफ आई डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, व्हाट विल आई गेट, सो इट इज डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, सो इज माई यूवी रूल, एक बार इसको डिफरेंशिएट किया आर को, एक बार पी को डिफरेंशिएट किया, दैट इज मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे dr by dt is my velocity vector, so velocity and what is momentum, wo bhi hota hai m into velocity vector, so velocity cross velocity kya ho jayega, zero, so this term becomes zero, to bachta kya hai, rate of change of momentum, what is rate of change of momentum, it is force, to basically yahan pe kya bacha, r bar cross f bar, now what is r bar cross f bar, it is torque, तो ध्यान में रखना है टॉर्क क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब जैसे मैं लिखता था व्हाट इज माय फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वैसे ही व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सिंपल चीज है। अब फोर्स जीरो होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज जीरो, सो द मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सिमिलरली जब टॉर्क जीरो होता है तो क्या चीज कंजर्व हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम। तो अपने को क्या करना है इस पूरे सेशन में, हम लोग को देखना है कि टॉर्क जीरो कब और कैसे होगा। जैसे ही टॉर्क जीरो हो गया हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अब ये था बेसिकली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेसिक। अब इसके ऊपर कुछ बेसिक एग्जाम्पल आपको सॉल्व कराता हूं तो आपको एक एक्चुअल में रियल सेंस में समझ में आ जाएगा।